बदले में दिल के भाई साहब प्यार में दो भाई साहब क्या भाई साहब आपने इनको कभी देखा है? कौन है ये? किशन हमरा भाई। किधर रहता है? गोवा में। अरे गोवा में तो मैं भी रहता है। अच्छा हाँ, इसका एड्रेस क्या है? गोवा गांव। गांव? हाँ। तो एक काम कर, इधर से सीधा जो सड़क दिखता है ना, हाँ? जाके राइट मार, उसके बाद पहला लेफ्ट ले, उधर एक चक्री आएगा, उधर राउंड मार और फिर किसी को भी पूछ, इसके बारे में बता देगा तेरे को। बता देगा, समझाएगा। दे 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 साईं, कहाँ ढूंढे हम हमारे किशन को? अबे तू तो डायरेक्ट अंदर घुस गया। हम उतरे। रुक, ए बिटर गिर गया ले, जाने गाने। हम उतरे भाई साहब, वो कुत्ता हमारी धोती खींच लेता तो सारी भीड़ के सामने हमारी तो इज्जत ही चली जाती। आप मिले जैसे हमें भगवान मिल के। भगवान ने ये तुलसी, तू कौन जी? हम गोपी, हम तो इसे ढूंढने आए हैं, आप जानते हैं ना इसे? हाँ। अरे इसे कौन नहीं जानता, ये तो पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। कौन है? कौन है जी? मेरा मतलब है, ये कौन है ऐसा कहने की किसकी हिम्मत नहीं है। ये तो अपना किशन, वही किरण। किशन अरे भैरा है क्या? तू भैरा है क्या? वही बोला ना मैं, किशन। अभी फोन लगा था उसको, देख 9 2 2। अरे किशन, अरे यार किधर है? किधर यार, भी बात करवा दीजिए। किधर? उधर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, तेरा भाई आया है यार। भैया एक मिनट, उसे बात कर यार। किधर बोला? किधर? उधर। अभी आया मैं उसको लेके, अभी आया। गोपी तुलसी। अरे वही यार, मेरी भावनाओं को समझ। ये बिल्डिंग देख रहा है? वो तो कुटिया है। अरे उसको इंग्लिश में बिल्डिंग ही बोलते हैं। उसके फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर एक टेरेस है, वहाँ आया होगा तेरा भाई आकाश। किशन। अरे वही, तू भैरा है क्या? ये क्या कर रहा है? बैग लेके कहाँ जा रहा है तू? अपने भाई को मिल तो ले। अरे बैग रख, तेरा भाई मेरे को मार डालेगा। मेरे भाई के हाथ में बैग दिया, जा जा भाई को मिल ले, जा 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 जा। किशन पकड़ भाई, पानी है उधर, बराबर संभाल, गीली हो जाएगी। ओ किशन, तुलसी भैया यहाँ तो ए चोर, चोर, पुलिस। भाई साहब, हम हमारे भाई को ढूंढने होशियारपुर से आए हैं और किसी ने हमारा बैग लूट लिया। कौन था वो कमीना? तुलसी, हमारा बैग चुरा के ले गया चोर। ये फोटो किसका है? इसे ढूंढने तो आया हम। अच्छा, तो ये तुलसी है? जी नहीं, ये किशन है। तो फिर तुलसी कौन है? तुलसी वो चोर। तो फिर ये कौन है? अरे इसे तो लेने आए हम होशियारपुर से। तुम इसे ढूंढ रहे हो या चोर को ढूंढ रहे हो? इसे तो हम ढूंढेंगे, चोर को आप ढूंढोगे ना। तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? होशियारपुर वापस ले जाने के लिए। अच्छा, तो ये होशियारपुर से भाग कर आया है? जी नहीं, होशियारपुर से भाग के नहीं है, होशियारपुर से चल के आए हम, इसके पीछे पीछे भाग के आए हैं। एक बात बताओ, टोटल कितने आदमी भागे? टोटल? अरे टोटल तो एक ही था ना, तुलसी। और तुम उसे ढूंढ रहे हो? अरे मैं तो इसे ढूंढ रहा हूँ, किशन को। और तुलसी? अरे वो तो हमारा सामान लेके भाग गया ना चोर। देखिए पुलिस स्टेशन है, कोई गाँव की गलियां नहीं जहाँ लुका छुपी खेली जाए। तुम तय करके आओ किसको ढूंढना है। तुम बहुत कंफ्यूज हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। डिसाइड करो कि तुलसी को ढूंढना है या इस किशन को ढूंढना है। किशन,
पुलिस। एक बटन दबा दूंगा ना तो सब के सब मेरे साथ टुकड़े बनकर बिखर जाओगे। क्यों मरना चाहता है? सरेंडर कर ले, सरकार से तेरी सजा कम करवाने की सिफारिश कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे माफी। जा। देख बाबू, तू कोई गलत कदम मत उठाना। ए इंस्पेक्टर, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं, समझा ना? बाबू बटन मत दबाना, तू जो चाहता है वही होगा। देख मैं एक गन नीचे रखता हूँ, तू इन सबको यहाँ से जाने दे। ओके ओके, मैं रख रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, निकलो यहाँ से, आउट। मेरा ये छोटी का, ये तेरा है, ये मेरा और ये छोटी का। अरे हो गए। इसका मतलब छोटी का हिस्सा भी अपने जितना हो गया यार। ये तेरी बहन दिव्या बहुत लकी है यार। कुत्ते कमी ने, वो तेरी बहन ही है। देख यार, अपने नसीब में तो स्कूल था नहीं। एक सपना देखा था यार कि दिव्या को पढ़ाऊंगा, बस वही पूरा कर रहा हूँ। अब उसके लिए थोड़ी हेरा फेरी कर ली तो क्या फर्क पड़ता है यार। कोई वो डकैती तो नहीं डाल रहे ना हम लोग, खून खराबा तो नहीं करे, मारा मारी तो नहीं करे, हेरा फेरी कर रहे हैं यार, चलता है। देखा सच बोला ना, घंटी बज गई। अरे दिव्या, 100 साल जिएगी तू, मैं अब भी तेरा आराम ले रहा था। सुन, कुछ टेंशन तो नहीं है ना तुझे? भैया, दिस इज लंदन, एवरीथिंग इज फाइन। आई नो। अच्छा सुन, तेरे फीस के पैसे है ना, मैंने बैंक में जमा कर दिए। मैनेजर कह रहा था वो ट्रांसफर कर देगा। कमाल है ना, पहले लोग ट्रांसफर होते थे, आजकल पैसा ट्रांसफर होता है। तरक्की कर रहा है हमारा देश। भैया, आप सिर्फ पैसों के बारे में बोलोगे या कुछ अपने बारे में भी? अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं तुझे। चल अब तू पूछ रही तो बता ही देता हूँ। मैं ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। तुझे याद है ना गांव में जिस तरह लोग सोने की चेन खरीदा करते थे, मैं यहाँ पे होटल्स की चेन खरीदा। दैट्स ग्रेट भैया, थैंक यू। अच्छा सुन, तुझे खाने पीने का प्रॉब्लम तो नहीं है ना हॉस्टल में? अगर है तो बोल दे, यहाँ से टिफिन भेज दिया करूंगा मैं। Now enough भैया, but I'm proud of you. बड़े बड़े सपनों को देखना और उन्हें पूरा करना कोई आपसे सीखे। चल चल, अभी बहुत बातें हो गई, तू पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है? ओके भैया, टेक केयर, बाय बाय। क्या लपेटने की भी हद होती है यार किशन। होटल की चेन, कभी कभी साइकिल की चेन खरीदने के वांदे होते हैं और होटल की चेन, और नाटक करना कोई सीखे तो तुझसे। लाडला डॉन लाडला। तो डाला साले को, वैसे भी टीनी मीनी जीनी के सामने करेगा भी क्या, हिंदी पिक्चर देखकर माँ की याद में रोएगा साला। तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। इसकी माँ की प्यार की पिक्चर में 5 साल से यही तक देख पा रहा हूँ, जहाँ माँ की बात आती है कि फिल्म यही फ्रीज हो जाती है, माँ की किरकिरी। माँ जल्दी से फ्रेश हो जा, मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। नहीं माँ, उससे पहले मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। क्या तू मेरे लिए बहू लाया है? नहीं माँ, उससे भी बड़ी खुशखबरी, आज तेरा बेटा डॉन बन गया है माँ।
मैं हूँ डॉन। सच? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। माँ, तू आएगी ना माँ? अपने हाथों से गाजर का हलवा खिलाएगी ना? डॉन, डॉन, डॉन! लड़कियों का पता चल गया है। खबर मिली है कि उन लोग गोवा में हैं। समंदर अगन सी लगी है कहीं दिल के अंदर। भीगा भीगा समा है मोहब्बत भी जवां है। भीगा भीगा समा है मोहब्बत भी जवां है। ख्यालों पे छाए मस्तियां यहां से वहां तक समंदर I love the beach, I love the sand, I love the beauty, I love the rain, I love the rain. Come on, let the music play, coming just the time away. We got the party going on, we're gonna rock it night and day. Everybody feeling high, reaching out to the sky. सांस का एक शोला भर गई। मौसम की आवारगी आवारा कर गई। सीने में एहसास का एक शोला भर गई। लम्हा भी बदगुमा है मदहोशी भी रवा है। लम्हा भी बदगुमा है मदहोशी भी रवा है। ख्यालों पे छाई मस्तियां है। चाहत की बिजलियां दिल चाहे के चूम लूं होठों की तितलियां। देती हैं बेचैनियां चाहत की बिजलियां दिल चाहे के चूम लूं होठों की तितलियां। सुहानी दास्ता है ना दूरी दरमियां है। सुहानी दास्ता है ना दूरी दरमियां है। ख्यालों पे छाई मस्तियां लड़कियां थी यार। ओह एक दूसरी आए हाय। बाबू जरा पेट ठीक है ना? हाँ। फिर ऐसी आवाज क्यों निकाल रहा तू? वो लड़कियां यार। हाँ लड़कियां। अरे तू वाह इधर आओ। तुम्हें शराब पी रखी है?
नहीं। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो बाबू? मैं इसे किशन भैया के पास ले जा रहा हूँ। तुम्हें मालूम है इसने कल फिर से चोरी की है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हरी, तुम्हारे कारण किशन का जीना आराम हो गया है। वो किसी से मिल नहीं सकता, सब उसे तुम समझते हैं। वो तो समझेंगे ना, हम लोग राम और श्याम जैसे है ना। By the way, तुम्हारी कोई बहन है सीता गीता टाइप्स? सॉरी। ये पकड़ो, ये पैसे रखो और दूर हो जाओ इस इलाके से, बिकॉज ऑफ यू किशन पापा से नहीं मिलता है। मार, पापा तो गुजर गए। मैं अपने पापा की बात कर रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चल के मिलते हैं तुम्हारे पापा से। शराब बोल रही है बाबू, ये जितना मुझसे दूर रहेगा किशन उतना ही करीब रहेगा। क्यों बोला उसको मैंने दारू पिया साला? किशन, तू इस लड़की के साथ खेल मत यार। कितनी सीधी साधी लड़की है ये अनुराधा, और तू जोड़े का नाटक करके इसे उल्लू बना रहे है। उल्लू नहीं बना रहा हूँ यार, एक टाइम ना उसने मेरे को यही हालत में देख लिया था, मैं घबरा गया यार। मैंने बोल दिया मेरा जुड़वा भाई, सबसे साला किशन को हरी बनना पड़ता है। तो मैं इसको सच बोलेगा ना यार, मुझे को छोड़ देगी। ओके, तो वो जो पैसा देके गई है उसमें का 50% शेयर मुझे दे दो। खाली है, वेरी गुड। ए भाई पैसा निकाल। चिल्लाता क्या करे, क्या बैलेंस है? पहले का तो उसमें जमा करो, टोटल ले ले बाद में। बाद में तेरे को ढूंढेगा का? ये ढूंढने की क्या जरूरत है? हाँ, बच्चा बच्चा जानता है अपन को, समझा ना। क्या नया है क्या? मैं इधर बात करते हैं। आप सब जानते हैं क्या है जी? आप इन्हें पहचानते हैं? तुम हो कौन? देखिए, हम जो है सो है, आपको जो समझना है समझ लीजिए आप, लेकिन आप जरा इन्हें ध्यान में रखिएगा। हम है ना इन्हें लेने आए, साथ इन्हें वापस लेकर ही जाएंगे हम। अरे पहलवान था पहलवान, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि गोवा के बाहर का पहलवान तुझे कैसे ढूंढ रहा था। गोवा के बाहर अपने किसी को टोपी पहनाई गया? नहीं। तो फिर ये कहां से आ गया यार? अरे तू देखना चाहिए था, एकदम जाफराबादी सांड लग रहा था वो, हाथ में डंडा और धोती वोती पहनकर ना, एकदम अनपढ़ गंवार लग रहा था। तेरे को पक्का है उसने मेरी फोटो दिखाई? तेरी फोटो में आंख बंद करके भी पहचान सकता हूँ। बात कर, अरे ये तो नहीं दी ना फोटो। सॉरी, तुमने पूछा नहीं, लेकिन बताना तो हमारा फर्ज है ना। ये इनके पीछे थे हम, ये लो। अनु, तुम्हें कितनी बार हमने कहा है कि हरी को पैसे मत दिया करो, पैसे देने से उसकी हरकतें बदल तो नहीं जाएगी ना, सुधर तो नहीं जाएगा ना, वो एक दाग है ना, he's like birthmark, मेरे जिस्म से चिपका हुआ है वो, साई की तरह है वो। I know, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। कितना फर्क है तुम दोनों भाइयों में। वो एक जिसको कोई तमीज ही नहीं, और तुम एक जो तमीज को तमीज सिखा दोगे। थैंक्स अनु, इस दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो मेरा प्रॉब्लम समझने वाली। थैंक्स, थैंक यू। We'll be right back.
क्या कहा था उसने? डंडा, धोती, सांड। ओह शिट। कम ऑन भैया। अरे रुको, अरे रुकिए। अरे रुको, फिर से एक मुसीबत में फंस गया मेरा किशन। अरे किशन भैया, अरे अरे सुनिए तो सही आप मेरी बात। अरे आप रुकेंगे कि नहीं? हम देखिए आपको उठा कर ले जाएंगे। हाँ, हम बोल रहे हैं आपको किशन भाई। कुत्ता पालना चाहिए मेरे को। अरे कोई बचाओ भैया, अरे कोई बचाओ भैया, इस कुत्ते से बचाओ। अरे मोती, टॉमी, मोती, जा बेटा, जा 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 घर जा, जा घर जा। अरे 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 मेरे धो, धो, अरे मेरे धो, अरे मेरे धोती, अरे मेरा धो, धोती, धोती। अरे भैया धोती हमारी है, हमारी है। हाँ जलपुरी, प्लीज हेल्प, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए प्लीज। क्या हुआ भैया? अरे ये तो 4 लाखों में ही भाग गया ससुरे। थैंक्स जी। शुक्रिया जी। जी हमारी इज्जत वापस कर सकती है? जी जी हमारी धोती। सॉरी, उसके लिए आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? घर तक प्लीज। ठीक है, ये आप कहाँ ले आई? ये आपका घर है या होटल? अरे यही मेरा घर है। तुम गोवा के लगते तो नहीं, तो यहाँ पर क्या नौकरी ढूंढने आए हो? जी नहीं, हम है ना इसे ढूंढने आए। ये यहाँ नहीं, मुंबई गया होगा हीरो बनने। नहीं 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 नहीं, वो इधर ही है, हम पता करके आए हैं लेकिन उनका पता नहीं मिला। तो तुम ये फोटो लेकर उसे ढूंढोगे? जी। वैसे तुम ठहरे कहाँ हो? जी हम, जी कहीं नहीं, ये पूरा शहर पराया है हमारे लिए। तो अब तुम मेरी सुनो, तुम यहीं इसी होटल में रहोगे, मैं मैनेजर से कह दूंगी। जी नहीं 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 नहीं, आपने हमें घर बुलाकर इतना सत्कार किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर इतनी सी पहचान के लिए वहाँ पर बोझ नहीं बन सकते। तुम भी सिली यार, ये बोझ क्या लगा रखा है, यहीं ठहर जाओ, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। जी यस, तुम यहीं रहोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसे ढूंढने में। तकदीर सिंह फ्रॉम लुधियाना। आहो आहो जी, आहो, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर अ स्पेशल गेस्ट। ओए कंफर्म ना। थैंक यू। नहीं मला जय है, स्क्रैच कार्ड में लिखा था 4 night 3 day प्री स्टे, वैसा ही ना? एब्सोल्युटली। ओए शंकरान, शुरू हो जाओ। कितना मोटा हो गया तू। सो दिस वे, प्लीज फॉलो मी, मे हेल्प यू। हेलो, रूम सर्विस। Oh, we are going on a summer holiday. Do you want to? Oh, I am mommy. Oh my God. Oh, Shanky, it's all right, huh? Oh,
फुट गया। कोई गल नहीं जी, नो प्रॉब्लम। बस इसके चार्जेस आपके बिल में डाल दिए जाएंगे। कितना हुआ? ओनली 15,000। बिल में लगा देना, टीट दे देगा। एनर्जी उठी। एनर्जी ओके जी। पापा ये किशन है। आर यू श्योर? बैठो जी। बैठो, बी कंफर्टेबल जी, जी। भाई मैं तुम्हारे हमशक्ल भाई के किस्से तो अपनी बेटी अनुराधा से सुनता ही रहता हूँ। हाँ। इसीलिए आई क्रैक द जोक। हेलो। हेलो, ब्राउन बोल रहा हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। भाई कैसे याद किया? हमारी बीवी ने तुम्हारी दुकान से 5 लाख की खरीदारी की है। भाई बिल्कुल की है। और पैसे नहीं दिए हैं। और हमने मांगे भी नहीं। ये तो तुम्हारी दिलदारी है भाई, बट बिजनेस इज बिजनेस। वो 5 लाख रुपए मैं तुम्हें 2 दिन में भिजवा दूंगा कैश। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं डैडी की मूछें बोल देखा। किशन बेटा। जी जी। नौकरी पुलिस की, आमदनी सरकारी। अच्छा। और शौक उमराव के। 5 लाख की खरीदारी की थी इनकी बीवी ने। और अब ये जो हमारे दोस्त है ना, वो 5 लाख कैश में चुकाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत ऊंची ब्राइब ली होगी। All corrupt souls, I hate them. 5 लाख की उधारी? बाप रे, हमारा तो अगर 2 रुपया भी रह जाता ना किराने वाले के पास, तो पसीने छूट जाते हमारे। वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम पसीने की कमाते हो। किसके पसीने की? अरे खरगोश, तुम्हारे पसीने की और किसकी? क्या हो गया हमें? अपना ही काम भूल जाते हैं हम, तो नाम कहाँ से याद रहेगा हमें? किसका? वही जो 5 लाख रुपए कैश दे रहे हैं। अच्छा उसका? अरे उसका नाम इंस्पेक्टर ब्राउन है। ब्राउन? ओ, अब याद रहेगा ना? जी जी, अभी तो उनका नाम इतना याद करेंगे कि उन्हें भी याद रहेगा। किसे? मिस्टर ब्राउन। क्या है? साहब को बुलाओ। कौन साहब? मिस्टर ब्राउन। दिखता नहीं, मैं ब्राउन साहब है। कमाल है, नंगे तो बिल्कुल अलग लगते हैं। हम ग्लोबल प्लम्बिंग से हैं। तो कंप्लेन थी। किसकी? आपकी बीवी की। किसके खिलाफ? किसी के खिलाफ नहीं, बाथरूम में लीकेज है। बाथरूम लीकेज? काम शुरू करें। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। क्या है ना, हमारी कंपनी का जो एड है ना, उसका मॉडल मैं हूँ। ऐसे फोटो छपती है मेरी। इनफैक्ट जस्ट लास्ट ईयर है ना, मुझे प्लम्बर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अमेजिंग। पता है जब भी लोग मुझसे मिलते हैं ना, इनफैक्ट जो भी मुझसे मिलता है मुझसे कहता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। इट्स लाइक आई हैव दिस सुपर नेचुरल पावर्स। नेचुर सुपर। बाथरूम का है। थैंक यू। मैंने इसे कहाँ देखा है? अभी दरवाजा खोला तभी मेरे साथ देखा। तुम्हारे साथ ही देखा है? क्यों? वाटर कनेक्शन दे रहा हूँ लोगों। पागल हो गए हो? यहाँ पे खड़े रहिए, हाथ रखे, खड़े रहिए। मैं? हाँ, नहीं तो क्या, मैं खड़े रहूंगा। प्लम्बर कौन है यहाँ पे? तुम। एग्जैक्टली। ऊपर जाके मशीन को मंग करेगा। लाइट डाल। हाथ रखे कौन खड़े रहेगा? मैं। वेल डन, फुल मार्क्स, फुल पॉइंट्स। करो, यहाँ पे खड़े रहे, यहाँ पे। एक बोल के लाइट दी तो, अरे एक बोल देके लाइट दी, चमार आंटी भड़क जाएगी। मैं बोल रहा हूँ तुमको, खड़े रहो वहाँ पे, चिल्ला नहीं। मिस्टर ब्राउन, एक बूंद भी नहीं गिरने देना। शबान आंटी क्या कहती पता है ना आपको? 2 बकेट पानी अब बचाना है रोजाना। ओके, चार जल्दी करो जो कुछ कर रहा है। मैं सब कुछ जल्दी ही करता हूँ। अरे पानी बंद कर लो प्लम्बर। हे प्लम्बर। प्लम्बर, तू जिस दिन मुझे हाथ लग गया, मैं पूरे हिंदुस्तान के जेलों की शौचालय साफ कराऊंगा तुझसे। मुझे बाथरूम में खड़ा करके मेरा 5 बेडरूम का घर साफ करके चला गया, घर धो के चला गया, कमीना प्लम्बर कहीं का।
उनके चेहरे परेशान लगते हैं। भाई साहब वो चोर भाई साहब मिले? माफ करना, तुम नमक बेचते हो क्या? क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? या गुस्से में मेरी शक्ल तुम्हें उबले अंडे के समान लगती है और उस पर नमक छिड़कने की तबीयत होती है? अरे चोरी मेरे घर में हुई है, ये बात क्या तुम दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहते हो? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, जब चाहूँ उस चोर को चुटकियों में पकड़ सकता हूँ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम तो सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि आपने इस आदमी को कहीं देखा है। आप मेरा जनरल नॉलेज चेक कर रही हैं? ये वही आदमी है ना, ग्लोबल प्लंबिंग का मॉडल, प्लंबर ऑफ द ईयर, शबाना आंटी का भतीजा, प्लंबर कहीं का कमीना। प्लंबर ऑफ द ईयर, शबाना आंटी का भतीजा साला। Hi Tanya. Hi guys. Hey Tanya. How are you, yeah? Hey, Leah, where are so you? Good to not see you. I'm here, Leah. Oh, Tanya. Hi. Hey, how are you? Hey, Gopi. क्या कर रहे हो? दोस्त है मेरा. Hey, hey, who's this jungle? Shut up, guys. He's Gopi. He's the man who saved me that day. Oh, he's Indian Arnold. Nice right. to see you, buddy, man. That's cool. Hey, Dan, yeah? you need to throw a party tonight. What do you guys say? Yes, yes, yeah. come on, guys. We're going to rock the party. We're going to toast for Tanya and for this gentleman. Yes, come on, guys. Yeah. Hey, right, yeah. yeah. कहाँ जा रहे हो? मैं इंडियन आइडल? कमरे में जा रहा हूँ। यहाँ बैठो। क्यों? छोड़िए मुझे प्लीज। क्या ये तुम्हारा कमरा नहीं? क्या हम तुम्हारे नहीं? या तुम हमारे नहीं? जी ऐसी बात नहीं है। गोपी, you have such a nice body and a very desi smell. Give me one deep kiss. जी? पप्पी चुम्मा। देखिए आप नशे में हैं अभी। इडियट, नशे में और नशा चाहती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं यार डफर? आज शनिवार है ना, रविवार होता तो देते क्या? जी जी नहीं नहीं, सैटरडे नाइट फीवर चल रहा है गोपू। चुम्मा दो ना, तरसाओ मत। देखो वरना कुत्ते को छोड़ दूंगी तुम्हारे। अरे नहीं नहीं, दो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो? गॉड, ये तुम आखिरी सांसें ले रहे हो क्या? कम ऑन किस यार। या क्या कर रहे हो पराए मर्द के साथ? गोपू एक बात बताओ, तुम पराए हो या मर्द हो? यार यू इडियट, यू स्टूपिड, जाहिल, अनपढ़ गवार, तुझसे थोड़ा फ्लर्ट क्या किया, तू तो शेर बन गया। हाँ, यू जस्ट थ्रू मी, you denied me, you rejected me, how dare you, how dare you, useless।
लगता है आज मेम साहब का जन्मदिन है। मिस्टर गोपी और पीना है तुम्हें? क्यों, आपको कोई तकलीफ है? तकलीफ? और मुझे? नेवर। और वैसे भी अभी अभी आप ही ने कहा था ना सबके सामने कि आपको न शर्म न हया न लाज न रस्मो रिवाज,
तो ऐसी लड़की को भला किसी के पीने से तकलीफ क्यों हो सकती है मिस्टर गोपी? ओ, हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे थे, हम तो आपके सारे दोस्तों की बात कर रहे थे। डोंट डिफेंड योरसेल्फ। तुम्हारा टारगेट सिर्फ मैं थी। तुम गाना नहीं गा रहे थे गोपी, तुम ताना मार रहे थे। क्योंकि जहां से तुम आए हो वहां के लोगों के लिए मेरी जिंदगी तो एक एक आवारा जिंदगी है, isn't it? But it's okay. I think it's not your fault. नहीं देख सकते तुम, नहीं देख सकते कि बचपन से कितनी अकेली है ये लड़की। बिना माँ के पापा ने इस लड़की को सिर्फ पैसों से नहलाया धुलाया है, लेकिन कभी अपनी गोद में लेकर एक बेड टाइम स्टोरी नहीं सुनाई। चार दिन की मुलाकात में तुमने भी यही तय कर लिया कि ये तो एक बिगड़ी हुई आवारा लड़की है और इतना कुछ सुना डाला। गोपी, हम कितनी आसानी से दूर से ही किसी को बिगड़ा है ऐसा कह देते हैं, लेकिन कभी पास जाकर वो क्यों बिगड़ा है ये जानने की कोशिश करते हैं? आने वाले एयर सहारा के सभी यात्रियों का स्वागत है, कृपया। हमारा इन्फॉर्मर कहाँ है? वो थोड़ी इन्फॉर्म करता है क्यों कहा जाता है? आपने उसको इन्फॉर्म किया क्या पुनः रेले? वो हवलदार चूचू कर रहा था, मैं बोला ए चूचू नहीं करने का, छू कर देगा। मैं कौन चढ़ा? कौन चढ़ा? ए ए ए काला जामुन, ए हु आर यू? पैसेंजर, पैसेंजर। हाउ आर यू? इसका नाम पता करो। एक मिनट, मैं बोलता है तुलसी। वो ईरानी नहीं है? आई एम गोवन। मैं तुलसी तेरे आंगन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की? क्या हुआ? ये तो वही गाना है जो मेरी माँ गाती थी। एकदम इमोशनल आइटम है। तुलसी तेरे आंगन की, लेकिन ये पता है बगैर कि वो आंगन कहाँ है वो चल बसी। अरे हम उस तुलसी के आंगन को ढूंढने नहीं, हम इन तीन लड़कियों को ढूंढने आए हैं। लड़कियों के पता पूछ रहे थे। लड़की किसको बोला? तेरे को मूंछ वाली लड़की। चुप, मेरा नाम फौलाद है। फौलाद? फौलाद? तेरा नाम तो गुलाब होना चाहिए था, काला गुलाब। तीन लड़कियों को कहीं देखा है क्या? ये इनको तो अभी अभी छोड़ के आया मैं। इनको कहाँ? मैं तुमको क्यों बताऊं कहाँ? हैंड्स अप, हैंड्स अप। कहाँ? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर? ये 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 रहा। अरे कहाँ पर? ये रही, ये रही, ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसके पीछे वो बिल्डिंग है। सॉरी सॉरी, मुझे वो आदत हो गई है ना इंग्लिश बोलने की। खंडर है, खंडर के पीछे गई। खंडर के पीछे गई? एक मिनट, के पीछे क्या? खंडर के पीछे अब लोग चुपचाप जाएं। सर ये आपका सामान है? सामान निकालने को बोला मैं, सामान निकालने को बोला मैं। नहीं, रख रहा, रखा रखा रखा। दो मिनट रुक, पीछे लो, पांच मिनट में आ रहे। रास्ता उधर से है क्या? इधर इधर गिर जाओगे। पहचान नंबर ये सभी इंटेलिजेंट लोग गोवा में ही क्यों आते हैं? बिकॉज लेट्स डांस। That's okay for starters. Now let's try again. That was much better, but you are still lacking precision. Hehehehe.
है। हेलो बोल साता बोल, तू इन्फॉर्मर है ये डफर है, पता आज तेरी वजह से मेरा सामान चोरी हो गया और मैं एक सूट में घूमता रहूंगा क्या? तो इतना बड़ा डॉन और मेरा सामान चुराया एक टैक्सी ड्राइवर ने यार, और उसका नाम बता तुझे क्या? सारे टैक्स खराब कर दिए, क्या नाम था? मैं तुझे पानी पिला पिला कर मारूंगा, ऐसा बंद करूंगा कि एमसील और फेविकॉल बनाने वाली कंपनियां तुझे ब्रांड एम्बेसडर बना देंगी। इंस्पेक्टर के घर में चोरी करता है वो भी मुझे से, इंस्पेक्टर के घर में चोरी करता है। इंस्पेक्टर के घर चोरी? तो तू क्यों चिल्लाता है, अपना काम बोल। अरे मेरे यहाँ भी चोरी हो गई है। ओ आई सी, तू भी इंस्पेक्टर है क्या? इंस्पेक्टर नहीं, लाडला। लाडला किसका? अरे मेरा नाम है लाडला। ओ अगर तुम्हारा नाम लाडला है तो इसका नाम क्या डालडा है? देखो हम इन तीन लड़कियों को ढूंढने गोवा आए थे, इन तीन लड़कियों को, और जब ओ लड़कियां तीन और तुम दो, तो इन लड़कियों ने चोरी की है। ये फोटो मैं रखता हूँ, पता चलते बता दूंगा। अरे इनको नहीं ढूंढना है। क्यों, इन्होंने चोरी की है ना? हाँ, नहीं नहीं, अब उसको ढूंढना है जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, जो हमारा सामान चुरा कर ले गया उसको ढूंढना है। वो कौन है? टैक्सी ड्राइवर, नाम फुंसी। नहीं नहीं नहीं, तुलसी। अच्छा उसका फोटो किधर है? उसका फोटो नहीं है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, जिनका फोटो है हाँ उनको नहीं ढूंढने का, नहीं ढूंढना है, और जिनका फोटो नहीं है, नहीं है उसको ढूंढने का। That's right. Jesus Christ. जिसका फोटो नहीं है उसको ढूंढने का है, उसने सामान चुराया, और जिनका फोटो है उनको नहीं ढूंढने का, ढूंढने का है। Brilliant. लेकिन उन्होंने भी तो कुछ चुराया है ना? चुराया 25 करोड़ के जेवरात। मेरी माँ के, माँ कहाँ है? माँ नहीं है। जेवर कौन पहना था? किसी ने पहने नहीं थे, डब्बे में रखे हुए थे। डब्बा कहाँ था? अलमारी में। और अलमारी कहाँ थी? घर में। और माँ? गुजर गई। कहाँ से? अलमारी के पास से। मेरी माँ गुजर गई इस दुनिया से। I'm very sorry मिस्टर लाडला, वेरी सॉरी। मुझे अब बात समझ में आ रही है, तुम्हारी माँ गुजर गई, ये तीन लड़कियां माँ के चौथे पर आई, चौथे पे आई, माँ के जेवर लेकर गायब हो गई, गायब हो गई, माँ के 25 करोड़ के जेवर गए, गए, तो तुम्हारे 12 बज गए, 12 बज गए, तुम 1 बजे की फ्लाइट पकड़कर 2 बजे यहाँ आए, आया, 3 बजे तुम्हें लूट कर टैक्सी ड्राइवर 4 बजे अपने घर चला गया, घर चला गया, और 5 बजे तुम मेरी ऑफिस में कंप्लेंट लिखवाने आए, कंप्लेंट लिखवाने आए, चला जाएगा। घड़ी की सुई से पतली है तेरी आवाज, और तू मुझे धमकी दे रहा है। मेरा सामान मुझे लौटा दो इंस्पेक्टर, कब से मैं एक ही सूट में घूमता फिर रहा हूं मैं। तुमको क्या लगता है मैं रोज कपड़ा बदल बदल कर यहाँ ऑफिस में आता हूँ? अरे 15 साल से मैं ये वर्दी पहने हूँ, बताओ पता नहीं कैसे जो भी यहाँ आता है उसका सामान चोरी हो जाता है। आप मेरी कंप्लेन लिखिए। कंप्लेन में क्या लिखने का है? हाँ सब कुछ इनकम्प्लीट है यहाँ। उस दिन वो डंडे वाला आया था, अच्छा? फोटो एक का दिखाता था और ढूंढता दूसरे को था। अच्छा, अभी तुम दोनों जाओ यहाँ से। जाते हैं। मेरे को सोचने दो, ठीक है? मेरे को हेडेक हो रहा है। अच्छा, लेकिन कपड़े मिल जाने चाहिए। हाँ, कपड़े मिलने चाहिए। तुम नहीं उठने का प्लम्बर ऑफ द ईयर, अगर तुम उठेगा तो मैं तेरा टांग तोड़ देगा, डंडा मारेगा मैं। हेलो मिस्टर ब्राउन, यार वो 5 लाख में तुम्हारे घर भिजवा देता है, यहाँ आने की क्या जरूरत है? मैं पेटी केस थोड़ी रखता हूँ यहाँ पे। मिस्टर ब्राउन मैं तुमसे 5 लाख नहीं, लाखों में ऐसा दामाद चुना है उसे मिलाने आया हूँ। अनु किशु, अरे यही तो किशन है। अरे ये किशन है, मुझको तो बोला प्लम्बर। प्लम्बर? अरे ये प्लम्बर नहीं, यही किशन है। अरे नहीं यार, ये प्लम्बर है, असल में चोर है। तुमको मालूम है इसने मेरा घर लूटा है? अरे ये वो नहीं है, वो इसका जुड़वा भाई हरी होगा, जो चोरी हेरा फेरी करता रहता है। तो फिर ये क्या करता है? उसकी सजा भुगतता है। और वो कहाँ है? अरे उसे ढूंढना तुम्हारा काम है, इसे तो हम ले जाएंगे। यानी कि इसे छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, एक तो इनोसेंट है, ऊपर से हमारा दामाद है भाई। अगर तुम इसे ले जाओगे तो अंदर कौन बंद होगा और वो हरी कहाँ मिलेगा? अंकल इंस्पेक्टर आप हैं या हम? अरे चोरी तुम्हारे घर हुई है या हमारे घर? और गलत आदमी को आपने पकड़ा है या हमने? असली मुजरिम को तुम पकड़ोगे या हम? नहीं।
तानिया मैम साहब। अब क्या है? क्या मैनेजर ने तुमसे कहा नहीं कि मैं तुमसे? जी कहा, कहा कि आप हमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन हम आपसे मिलकर ही जाना चाहते थे। क्यों? क्या अभी भी और कुछ सुनाना बाकी है? अरे नहीं नहीं तानिया जी, आप हमें गलत समझ रही है। रात को अगर नशे में हमने आपसे कुछ कह दिया तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम आपसे बदसलूकी कभी नहीं कर सकते। वो क्या है ना, हमने आपको उस तरह देखा तो हमसे रहा नहीं गया। अकेलेपन की दवा शराब नहीं होती तानिया जी, बल्कि शराब इंसान को और भी अकेला कर देती है। शराब के नशे में आपको बहकाने वाले आपके दोस्त नहीं, दुश्मन है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आज आपके पास। ईश्वर ना करे अगर ये सब कल नहीं रहा तो मेरा यकीन मानिए आपके ये दोस्त भी आपके साथ नहीं रहेंगे। सच्चे दोस्तों को पहचानिए ताना जी। हम चलते हैं। गोपी जी, कहाँ जा रहे हो? जी वापस अपने गांव। वापस गांव? लेकिन तुमने तो किसी को वचन दिया है ना? ऊपर वाले से माफी मांग लेंगे हम। किसके से माफी मांगोगे? अभी अभी कुछ देर पहले मुझसे माफी मांग रहे थे, अब भगवान से भी माफी मांगोगे? क्या करें मैम साहब, हम तो बुरी तरह से फंस गए हैं। जो दूसरों को अच्छे रास्ते पर लाता है वो भला खुद बुरी तरह कैसे फंस सकता है? गोपी, फंसे तुम नहीं, मैं हूँ। जी? तुम्हारी सादगी में, तुम्हारी सच्चाई में, तुम्हारे प्यार में। अरे पप्पू पास हो गया। ओ किशन, पप्पू पास हो गया। तीनों लड़कियों का पता चल गया, तीनों चीके रिसोर्ट में है। माइंड ब्लोइंग। चल चल चल। हेलो, मे आई हेल्प यू सर? कमरा चाहिए। सिंगल और डबल? हाँ, दो सिंगल। सर एक डबल ले लीजिए ना। कमरा किसको चाहिए? आपको सर। पैसे कौन दे रहा? आप दे रहे हैं सर। तो फिर आप फोकट में मशवरा क्यों दे रहे मुझे? रजिस्ट्री खोलिए ना। कितने दिन रहेंगे सर? नॉर्मली हम एक सेकंड से ज्यादा नहीं रुकते, और कभी कभी 7 साल अंदर जाना पड़ता है। रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। यू कैन लीव द एरिया ब्लैंक। राइट सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। साले, प्लीज अटेंड द काउंटर। किशन। हाँ हाँ, अच्छा बाबू। हाँ, बीच में मत आना। किशन, ओए किशन, हम जानते हैं आप यही हैं। देखिए देखिए किशन, आप जहां भी हो बाहर निकल लो, हम आपको लेने आए हैं। कुत्ता पालना चाहिए था मेरे को, मालूम कुत्ता पालना चाहिए था। अगर मैंने कुत्ता पाला होता तो मुझे पकड़ नहीं पाता। पुलिस, पुलिस। गांव में एक छोटा सा थाना है, वहां आपको पुलिस मिलेगी। देखो यार धोती पहलवान, प्लीज छोड़ दो यार मेरे को। धोती हमारी भली छूट जाए, हम आपको लेकर ही जाएंगे इस बार। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ा है यार? हम आपके पीछे नहीं पड़े हैं, आपके बापू हमारे बापू के पीछे पड़े थे आपकी असलियत ढूंढने के लिए। क्या फेंक रहा है यार? मेरे बाप के पास तो मेरा फुल टू एड्रेस है, और इसके बीच में तू और तेरा बाप कहां से आ गया? वो आप होशियारपुर चलिए, हम आपको वहीं बता देंगे। बाय द वे मैटर क्या है? 25 साल पुराना केस है। केस? कैसा केस? कोर्ट केस। किधर का कोर्ट? होशियारपुर का कोर्ट।
अरे लेकिन वो दोनों बापों के केस में मेरा क्या लेने देना यार? क्योंकि आप इकलौते वारिस हो भैया। वारिस? जी। क्या मिल रहा है? जमीन। कितनी की है? वैल्यू क्या होगी? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये की जमीन? उसको क्या मैं उठा के यहाँ लाऊं? इसलिए तो आपको उठाकर वहां लेकर जा रहे हैं। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मैं नहीं आने वाला। लेकर जाऊंगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? पुलिस वाले हो तुम? वारंट लाए हो? बाप का माने क्या? क्या कर रहे? हमसे वारंट मांगेंगे आप किशन भैया? हनुमान जी के भक्त हम, हनुमान जी के। बिना वारंट के लंका में आग लगा कर आए थे, द्रोणागिरी को उठा कर ले आए थे। आप तो गिने चुने 40-50 किलो के होंगे। 70 किलो। हथेली में उठाकर होशियारपुर ले जाएंगे आपको हम, राम कसम। पहलवान जी, पहलवान जी। गांव चलोगे या नहीं? बोरिया बिस्तर बांध लेना, आएंगे हम जल्दी। चलते हैं। ओए मैम, इट्स रूबी ओरिजिनल। रूबी, वेरी गुड। ना ना ओए ना ना Pack this. Oh no no. Can I show you something in gold? Gold? Sangma. Oh no no. Shh. Kidhar? Yeah, I'll show you. Gold. Aye yo la. Aye amma car. Mere ko chahiye. Aye amma bikwaega. Car bar. Amma car mangta. Le lo Hey madam. Yeah. Pack this also. Oh no no. Kidhar hai sona? No no. Why is he saying nana? ओ यार, क्योंकि इसके बिल की सोच के मुझे अपनी नानी याद आ गई यार। मेरी वाइफ के पास इतना सोना है कि वो रास्ते पे निकलेगी तो चलती फिरती गोल्ड माइन लगेगी यार। होने दो, होने दो। पैक कॉल दे, ओके मैम। बिल्टी दे देगा। अनाटे? ओए? अनाटे? देखो मान गए। ओए वाहे गुरु, बढ़ते बच्चों के लिए कॉम प्लान होता है। बढ़ते बिल के लिए कौन सा प्लान होता है? क्या कर रहे हो डांसर? जहाँ पे तुम वहाँ पे हम। हे मैचमैन, सेक्सी मामा, आई लाइक यू। हे यो, डू यू कम हियर डेली? नप, बट इफ यू इनवाइट मी आई कम व्हेनेवर यू वांट मी टू कम। हे विच बैंड यू प्ले फॉर? अरे बैंड से क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी की भी बजा डालूं, तुम्हारी बजाओ क्या? तुम्हारा बैंड और उसका बजाना उसकी समझ में नहीं आएगा। तुमको तो समझ में आ रहा है ना जानेवन। क्या क्यों आए हो तुम? उसी लिए जिसलिए तुम आयो। रोमियो समझती अपने आप को? अगर तुम जूलियट होती तो मैं रोमियो होता, लेकिन अगर तुम राधा होती तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं किशन हूँ। आई गोपी। तेरी तो क्या खड़ा है, तू क्या कर रहा है? आई डोंट लाइक हिम। लेडीज, हम गोपाल मुरली मनोहर होशियारपुर वाले। आप कब तक हैं यहाँ पे? जब तक आप हो, आप चलेंगे तो हम भी चलेंगे भैया। तेरे से कोई बात कर रहा है? मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ूं कि इनके साथ मस्ती करूं? मस्ती, राइट? मस्ती, या लेट्स हैव फन। मस्ती मस्ती, कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। हे गोगो, नो गोपी, ये आपके साथ नो गो, ये हमारे साथ चलेंगे होशियारपुर। छोड़ तेरे होशियारपुर की ऐसी की तैसी, क्या होशियारी लगा रखी तूने, पागल हो गया मैं? अरे आपको गोपियां क्या मिल गई, आप तो हमारे साथ लड़ने ही लग गए। देखो गोपियां, आप लोगों को इसके साथ जितनी रासलीला रचनी है रचा लीजिए, क्योंकि आखिर में हमारे साथ चलेंगे होशियारपुर। हमने बापू को वचन जो दिया है। किशन, किशन भैया, किशन। हाँ हाँ, क्या मजा आ रहा है। बस वो साला लड़धारी जो दिन रात मेरे पीछे पड़ा है ना, पीछे देखने से डर लगने लगा मुझे। मेरे को लगता है उसकी माँ है ना, पैदा होते ही लोरी के बजाय मेरा साया फिल्म के गाने सुना रही थी उसको। तंग आ गया हूं यार मैं। किशन जी, राम जी की किशन भैया। अबे तेरी तो गांव भूत। किशन भैया, किशन भैया कहां गए?
ये लड़धारी ने परेशान कर रखा है यार, चैन से बाथरूम भी नहीं जाने देता। एक तो लड़कियां हीरे लेके मुझे घुमा रही है और सामने ये आरटीओ ऑफिसर के साथ डंडा लेके खड़ा हो जाता है। अबे तेरे को काम धंधा नहीं है क्या? स्टैचू बन के खड़ा हुआ यहाँ पे और मुझे क्या भेड़ बकरी समझ रखा है? मुझे बार बार डंडा लेके मेरे सामने खड़ा हो जाता है, डराता तो मुझे तोड़ के फेंक दूंगा मैं उठा के। 25,000 के लिए होशियारपुर नहीं जाने वाला मैं, करोड़ों छोड़ के चवन्नी में नहीं रहने वाला मैं। दिमाग खराब हो गया मेरा, मत मारी गई मेरी। एक काम करो, वो जमीन तुम रख लो, गिफ्ट मेरी तरफ से, थैंक यू बोलो और यहां से दफा हो जाओ। और प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ। दिमाग खाते? अगर आपके पास दिमाग होता तो हम दिमाग जरूर खाते। दिमाग होता तो आपके बापू की जीत की खुशी मनाते, मेरे साथ होशियारपुर चलकर अपनी जमीन चूमते, बापू की समाधि बनाते। कैसे बैठे आप? अरे यार, तू मेरे बापू के बारे में इतना सेंटी क्यों हो रहा है? अभी तू रोते रोते मेरे पीछे पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं रोते रोते तेरे साथ होशियारपुर चलता हूँ। सच? आप होशियारपुर चलेंगे हमारे साथ? तुम टिकट का बंदोबस्त करो, मैं सामान बांधता हूँ। वो तो हो चुका, यहाँ से बम्बई बस में और फिर बम्बई से होशियारपुर ट्रेन। बस ट्रेन नहीं 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 नहीं, यहाँ से हम लोग फ्लाइट में दिल्ली जाएंगे, उसका करीब 10,000 रुपए। 10,000? वहाँ से एसी शताब्दी अम्बाला 5,000 रुपए। वहाँ से बस में नहीं बैठूंगा मैं, वहाँ से एसी कार लेंगे, 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 6,000। कितने हुए? 21,000। 21,000 जाने के, 1,000 आने के, इतने पैसे का बंदोबस्त करो। खुश है? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। क्या पैसे नहीं है? नहीं। तो मैं होशियारपुर कैसे जाऊंगा? बाबू को वादा किसने किया था? हमने। और मुझे होशियारपुर ले जाने की कसम किसने खाई थी? हमने। तो पैसे का बंदोबस्त कौन करेगा? फिर पैसे का बंदोबस्त करो, हम होशियारपुर आते। हम अगर पैसे का बंदोबस्त करेंगे तो आप हमारे साथ होशियारपुर आएंगे? डेफिनेट। खाओ हमारी कसम। अच्छा, अगर तुम पैसे का बंदोबस्त करोगे तो मैं होशियारपुर आऊंगा तुम्हारे साथ। अच्छा, हम चलते हैं। ऐसे कैसे चलते हैं? तुम भी कसम खाओ कि जब तक तुमने पैसे का बंदोबस्त नहीं किया, नो शकल, नो डंडा, नो होशियारपुर। खाओ 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 खाओ। नो शकल, नो डंडा, नो होशियारपुर। कौन है? किशन। किशन, जल परियां नहा रही है। तो मैं क्या साबुन लगाने जाऊं? मेरा मतलब वो जल परियां। कौन? वो तीन जिनकी हमें तलाश थी। इधर तो कहां है? स्विमिंग पूल में। माइंड ब्लोइंग। हम भी वहां तैरने जाते हैं और तैरते तैरते दोस्ती करके पूछते हैं कि हीरी कहां है, और वो तेरे को बता देगी। हाँ। मार मार के लुखा कर देगी तेरे को वो। अभी जब तक वो स्विमिंग पूल में नहा रही है, उसका रूम साफ कर देंगे यार। यस। तो बता लगा उसका रूम नंबर क्या है? ओके। ये अभी आया उनको पूछ के। अबे क्या हुआ? ये गांठ मारूं मैं? उन लोग से पूछेगा? वेटर से पता लगा। जा जा। वेटर। यस। वेटर। किशन, किशन, मैं क्या बोलता हूँ, तू बड़ा भाई बनके एक का हाथ क्यों नहीं मांग लेता मेरे लिए? क्यों? अगर वो राजी हो गई तो दहेज में हीरे भी मांग सकते हैं ना। वक्त रहता मेरे। किशन, मेरी बात सुन। किशन, अरे अरे अरे, तोड़ा रे। ओह माय गॉड, किधर गए यार? हट यहाँ से, हट। ओ ये हट ना। अरे अरे अरे, क्या नल्ला बैठे यार ये? अब ये टीवी क्यों तोड़ा? टीवी में भी तो छुपा सकते हैं लोग। तो टीवी ऑन करके नहीं देख सकता ना तू? सॉरी सॉरी सॉरी। दैट्स द वे। आई लाइक इट। ओए ओए, दैट नो 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 नो, आई डोंट लाइक। ओए ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट पूरा रूम रेनोवेट करना पड़ेगा। 2.5 lakhs plus 25,000 previous balance. पौने 3 लाख आपको भरना पड़ेगा सर। रुपीज में? राइट सर।
ओके सर? ओ ना 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 यार, ना ना ना, ओ मैं तो रूम में था भी नहीं यार, ओ मैनू की पता किसने तोड़ा यार। सर रूम तो आपका ही है ना सर? ओ ना ना, आप रख लो, आप ही का है, रख लो आप। राइट सर, लेकिन नाम पे तो आपके है ना, और चाबी भी आप ही के पास थी, तो जिसके पास चाबी होती है जुर्माना उसे ही भरना पड़ता है। Come on, hurry up, get dressed up. I'm sure that even when the dawn comes, he won't find us or the diamonds. Oh, the diamonds. Where are the diamonds? Oh, duffer, locker mein, locker mein. Come on, now, hurry up. Locker. बच्चे को चुप करा है, सोच नहीं पा रहा हूं मैं, अभी करता हूं। मेरे को खेलने का आया, हां मेरा है। नहीं बेटा, इसे अभी बंद कर दे। मेरा है। नहीं बेटा, बंद। चल। हे बैंड मास्टर। बैंड बजाता हूं सलीका मैं। बेटा, आपके पापा का रूम नंबर क्या है? 211। ओहो, 211। अभी आप चॉकलेट खाओ, अभी हम पुलिस की गाड़ी से खेलेंगे। इसमें क्या है? पुलिस सायरन है, इससे लोगों को डराएंगे। ये Who's that? God. हम तीनों को लॉकर छोड़ के यहाँ आने की क्या जरूरत थी? Come on. The band master. Shit. गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, अरे अरे मुंह क्यों घुमा के बैठो यार, नंगा खड़ा हूँ क्या? आप ही ने तो कसम दिलवाई थी, टिकट नहीं तो शकल नहीं। अरे वो तो मैं ऐसे फेंक रहा था यार, टिकट आ गई है, ये रही टिकट, ये देख, ये देख। सच? मैंने कभी झूठ बोला है? और वैसे भी अगर आप पैसे भी लेके जाते तो आपको प्लेन की टिकट तो कोई देता नहीं ना, पहलवान टाइप वो जी। मैं ऐसे कह रहा हूँ। अच्छा वैसे अनुराधा है ना, वो भी मेरे साथ आ रही, क्या है कि उसने बिना समुद्र का गोवा नहीं देखा। आप चाहो तो तानिया को भी साथ मिलकर चलो। सच? ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भैया। सुहागा, सिर्फ सुहागा। सुहाग रात हम लोग यहाँ गोवा में मनाएंगे, होशियारपुर में नहीं। अब तो सचमुच किशन का नया हुआ, गोवर्धन गिरधारी अनटखट भी डोकरा है। माफ कीजिए। थैंक यू। आप मेरे तारीफ के जो पैम्फलेट है ना वो बाद में बांटेगा, फिलहाल आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मैं तो तैयार हूँ, चलो सामान लेकर निकलता हूँ। भाई क्या किस्मत है मेरी, देखो मरना तो सभी को एक ना एक दिन, मुझे भी, लेकिन किस किस तरह लोग मरते हैं ना, ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, यू नो,
कोई जहाज में डूब के मरता है, कोई शराब में डूब के मरता है, कोई जहर खा के मर जाता है, टीबी मलेरिया एड्स वगैरह वगैरह, कोई डिग्निटी नहीं है मौत में। डिग्निटी मेरी मौत में, क्योंकि मैं मरने वाला हूं एक डॉन के हाथ से। डॉन, एक ऐसा डॉन जो पुलिस के हाथों कुत्ते की मौत मरने वाला है। नहीं, मेरा मतलब है कि पुलिस के हाथों कुत्तों की मौत मरने के बजाय डायरेक्टली कुत्ते से ही कटवाना चाहिए। कुत्ता कौन है? आईना तो है नहीं आपको बताने के लिए और वक्त भी नहीं है, बट डॉन जी, मेरी मरने से पहले एक आखिरी तमन्ना है डॉन जी, प्लीज वो तमन्ना पूरी कर दीजिए। क्या है तुम्हारी आखिरी तमन्ना? माँ कहा करती थी। माँ? माँ, माँ, हाँ यार, माँ कहा करती थी कि अगर सामने कोई रास्ता नहीं हो तो करीबी थिएटर में जाके एक पिक्चर देख लेनी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता। अब यहाँ पे आसपास में तो कोई थिएटर नहीं है ना, और आपके पास वो वीसीआर। मेरे पास जो सारी फिल्में हैं सब रोने की हैं। मुझे कौन सा हंसते हंसते मरना है, वैसे भी जी भर के रो लूंगा, मन हल्का हो जाएगा, हो सकता है कि तन भी हल्का हो जाए, आपको उठाने में तकलीफ नहीं होगी। डॉन जी, आप मुझे फिल्म दिखाएंगे ना? मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश। माँ, मुझे मेरी माँ का ख्याल रखिएगा डॉन जी, मैं जा रहा हूँ। मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। मेरी माँ शर्म आ रही है नंगे? मैं वहां पे डॉन से अपनी जान बचाता फिर रहा हूँ और तू यहाँ पे नंगा ना रहा है। चल बाहर निकल, सब लोगों को लेके एयरपोर्ट आ जा, मैं बोर्डिंग पास निकाल रहा हूँ। चल जल्दी चल। कौन है यार? हेलो। हेलो भैया, कैसे हो? मैं खुश हूँ भैया। वो एक बात थी। बोल ना भैया। मैंने एक लड़का पसंद किया है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ। हाँ, मिलवाना तो पड़ेगा ना। इसलिए तो मैं उसे उसके पापा के साथ आपको मिलवाने ला रही हूँ। मैं भी उसे बताना चाहती हूँ कि मेरे बड़े भैया बिग बी बड़े बिजनेसमैन हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कब आ रही है तू? कब क्या भैया, मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ, अभी आ रही हूँ। गोपी भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब क्या नहीं कहानी है? गोपी भैया मेरी एक बहन है जो विदेश में पढ़ती है, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसी के लिए करता हूँ गोपी भैया। उसकी सगाई हो रही है और वो लोग यहां आना चाहते हैं। गोपी भैया वो लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे होटल्स हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर लड़के वालों को पता चल गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सगाई टूट जाएगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ना ना, हम सब समझ गए किशन भैया, हम सब समझ गए, लेकिन सब ठीक होते आप हमारे साथ होशियारपुर जरूर चलेंगे ना? आप हम पर भरोसा कीजिए, हमें बजरंग बली पर पूरा भरोसा है, हम कुछ करते हैं। हाय हाय, ये लोग इधर हैं। कौन किधर है? लाडला। किसका लाडला? किसी का लाडला नहीं है ये, लाडला इसका नाम है, और ये पता है डॉन है, डॉन। तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा और क्यों? देखो इतने सवाल पूछने का तो टाइम है ही नहीं, मुझे देखते ही मुझे मार देगा वो। मार देगा क्यों किशन? किशन नहीं, हरी। हरी ने ना इनके हीरे चुरा के भाग गया है, और ये मुझे और ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उफ, तो तुम इन्हें बता दो तुम हरी नहीं किशन हो। बताने में और दिखाने में फर्क होता है अनु,
जब तक मैं हरी को उनके सामने लाके खड़ा नहीं कर देता ना, ये मुझे हरी समझ के मेरे पीछे पड़े रहेंगे। और तुम तो जानती हो ना, मैं तो किशन हूँ ना, और मैं हरी को तो ला ही नहीं सकता, इसलिए ये किशन को हरी समझ के उसे मार देंगे। फाइनली क्या होगा? हाँ क्या होगा? फाइनली ये होगा कि हीरो की हेरा फेरी में हरी की जगह किशन मारा जाएगा, और जब हरी मिलेगा तो किशन तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि किशन को तो इन लोगों ने मार दिया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा कंफ्यूजिंग। अरे हरी के लाल, तू उसे क्या समझाता है, मुझे समझा। समझ गया, हरी मेरे हीरे लेकर चंपत हो गया। करेक्ट। अब तू हरी को मेरे हवाले कर दे, वरना हरी में मैं तुझे हरी समझकर गोली मार दूंगा। एक चांस मिलेगा। क्या चांस? क्या बज रहा है? कहां पर बजते तो घड़ी में ही है ना। हाँ कितना बजा है? दो। अब तक तो वो बाली चला गया होगा। बाली वो उसका रोज का प्रोग्राम है क्या? 1 बजे वो काली से मिलता है, ताली। 2 बजे बाली जाता है, बाली। 3 बजे वहां बैठ के वो थाली खाता है। मुझे बाली जाना है। मैं क्या फेरी वाला लगता हूँ? एक काम करते, पोर्ट चलते। हाँ। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाए। हाँ। आप उसको पकड़ लेना। हाँ। कहीं वो बाली निकल गया। हाँ। तो आपके तो हाथ एकदम खाली। नहीं देता, मैं जाऊंगा बाली। जल्दी जल्दी वरना फेरी छूट जाएगी। वो इस फेरी में ही है ना? या इसमें भी तेरी कोई हेरा फेरी है? मैं और हेरा फेरी? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? वो रहा। कौन? हरी हरी वो लाल टोपी, लाल जैकेट। वो लाल जैकेट। हाँ। लाल टोपी वो दिख गया। माँ का लाल जो है वो। हाँ? माँ का लाल है वो। माँ सच्ची? फिर माँ चलो। मैं हूँ ना झंडू बाम। एक बाम तीन काम। हाँ? तीनों का काम करके आता मैं, ठीक है? हाँ वेट कीजिए। क्या हुआ? मुझे तूने झंडू समझ रखा है। नहीं। हम यहाँ पे रहेंगे, तू वहाँ जाएगा। हाँ? अपने लाल वाले हरी भाई के साथ तू बाली चला जाएगा। हाँ? ओके। तो यहाँ पे रुक। हाँ? हम आते हैं जी। चलो। हाँ संभाल के, संभाल के। ओके छुपा के। लाल कोर्ट में जो भी है हरी की मौत मरेगा। चले अरे। कुछ गड़बड़ डेफिनेटली है। फ्रीक। नो गड़बड़ अनु, आई एम हियर ओलीना। सी, वैसे भी तो मैं इस होटल की ओनर हूँ, तो ओनर 1 मंथ की ओनरशिप डिसओन करेगा। केजी रिजॉर्ट जी के रिजॉर्ट हो जाएगा, जिसके मालिक होंगे गोपी और किशन। साला 25 साल से सूटकेस भगा के लेके जा रहा हो, एक बार सूट पहनने को नहीं मिला, और ये डंडा नंगा आया था, आजकल साफ बन के घूम रहा है। है? Hey, how are you? God, good to see you. भैया ये सिद है। सिद, हाय। हाय सिद। और ये सिद के डैड मिस्टर विक्रांत पटेल। नमस्ते। हेलो। Very nice to have met you, Kishan. Pleasure's all mine. मेरे दोस्तों से मिलिए, please. आइए। ये हमारे पार्टनर है मिस्टर गोपी। नमस्ते जी। How do you do, मिस्टर गोपी? Awesome look. Very interesting. Yeah, डंडा। Yeah. और ये तानिया हमारी मालकिन है। Hello there. मालकिन? मतलब ओनर। ओनर एक्चुअली मिस्टर गोपी और तानिया, वो यू नो, और ये अनुराधा, और ये और मैम, ये मेरी मालकिन है। चलिए
What is going on? होटल का नाम बदल दिया, ओनर तक का नाम बदल दिया। क्या बात है रोशनलाल? तानिया मैम, आप अपना फैमिली बिजनेस करप्ट कर रही हैं। डूब जाएगा सब कुछ। I mean, there will be no credibility left. Why don't you understand that? Look, रोशनलाल, फैमिली बिजनेस क्रेडिबिलिटी इन सब के बारे में अगर तुम मुझे नहीं समझाओ तो अच्छा है, ओके? वरना मुझे भी आपकी बीवी को समझाना पड़ेगा कि आपका वो सूजी है ना, उसके साथ क्या रिलेशन है। Should I, रोशनलाल? मैम, सूजी। કેટલા સારા છે ગોપી અને કિશન, આજે હું ખૂબ જ ખુશ છું દીકરા। एक दिल की दो धड़कन, एक गोपी एक किशन, एक दिल की दो धड़कन, एक गोपी एक किशन। धड़कन एक गोपी एक किशन, एक दिल की दो धड़कन एक गोपी एक किशन। थोड़े से ना टूटे, अरे थोड़े से ना टूटे ये रिश्ता ये बंधन। कम कम वेलकम वेलकम, कम कम वेलकम वेलकम। सबसे अलग कहानी है, सांसे जुदा है एक अपनी जिंदगानी है। हाँ हाँ, सबसे हसीन सबसे अलग कहानी है, सांसे जुदा है एक अपनी जिंदगानी है। हर इम्तिहान देंगे, एक दूजे पे जान देंगे, हम बांट लेंगे हम। वेलकम वेलकम संगम 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 संगम।
I've never seen you so happy before, Dad. जो दिख रहा, हम हिंदुस्तानी सात समंदर पार चले जाते हैं और अपना फेस बदल लेते हैं, लेकिन इस दिल के अंदर का जो देश है ना, वो नहीं बदलता। और जब भी इस दिल के देश में हमारे बेटा या बेटी की शादी किसी अच्छे हिंदुस्तानी घर में होती ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बहू, मोटी बात ही हमारा मत, इट्स द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स, यू नो। आई वाज कॉन्फिडेंट डैड, दिव्या से बात करने के बाद वन कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट शी इज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। गोपी भैया, सगाई तो एकदम सुपर हिट हो गई है। हाँ, लेकिन हम ये सूट के बजाय अगर धोती पहनते तो सुपर डुपर हिट हो जाता। आप भी ना। कौन है? ओ, कौन है? तीन है? हाँ, भेजो भेजो। जर्नलिस्ट। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो, कौन है आप? सर, मैं खबरी दोपहरी से। मैं मिस्टिंग चैनल ट्रिंग से। जी, मैं पंगा डेली दंगा से। गुड, क्या काम है? हम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। जी, हाउ सैड, यहाँ पर तो वैकेंसी है नहीं, गेट आउट। सर, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपने इतना बड़ा डील किया, ये होटल टेक ओवर किया, वो कैसे, ये हम सब जानना चाहते हैं सर। सब कुछ जानना चाहते हो? नो प्रॉब्लम, यहाँ पर एक कमरा है, वहां चलते हैं, वी रैप अप द इंटरव्यू। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा। वो अभी आप जब उधर से इधर देख रहे थे तब देखा होगा। आइए सर। एक मिनट, ये रिसॉर्ट के नेम प्लेट में कुछ गड़बड़ है। नेम प्लेट में? नहीं तो केजी से जीके कैसे हो गया? ओ, मालिक बदला, नाम बदला। क्या बात कर रहे हो, मालिक बदल गया? हाँ। अब कौन है मालिक? तुम दोनों मालिक हो इस रिसोर्ट के? क्यों आया किशन? ये तो धोती पहनकर आया था और तुझे तो मित्तल ने लॉकअप से छोड़वाया था। वो तो मैं आपके कंफ्यूजन की सजा काट रहा था। वैसे आपने भी 5 लाख रुपए खा के डकार भी नहीं मारी। सजा? हाँ, ये इंस्पेक्टर भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। शट अप, आज कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप यहाँ क्या करें? पुलिस स्टेशन का रास्ता भूल गए? यहाँ कहीं आप हमसे हफ्ता लें तो देखिए, I'm a very good citizen of this country and I will not encourage this kind of illegal activity. मैं क्यों तो हफ्ता? क्यों तो हफ्ता? हाँ, अरे भाई, मैं हफ्ता लेने नहीं आया हूँ, मैं तहकीकात करने आया हूँ, दो बातों की। ओह, बताइए। इस रिसोर्ट का नाम केजी से जीके कैसे हो गया और यहाँ से 3 जर्नलिस्ट गायब है। गायब? अरे लेकिन मैंने तो अखबार बंद हो गया क्या? अरे अखबार चालू है यार। तो आपको खबर नहीं मिली कि हमने होटल खरीद लिया है? खरीद लिया? नहीं तो क्या भाड़े मिले? जीके गोपी किशन रिसोर्ट। हेलो हेलो, कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं भाई, 50-50% की पार्टनरशिप हमारी। यहाँ से 3 लोग गायब हैं, मिस्टर खबरी, मिस्टर पंगा और मिस्टिंग। 2 लड़का 1 लड़की मिसिंग है। अब लड़का लड़की तो एक दूसरे को मिस करेंगे ना? अरे एक दूसरे को नहीं यार, 3 लोग मिसिंग है यहाँ से, कल रात से। वो लोग यहाँ आए थे। किसने कहा आपसे? जेम्स ने। कौन जेम्स? सीनियर प्रोड्यूसर XTV। ऐसे क्यों कहा उसने? अरे कहा नहीं, कंप्लेंट की उसने। किसकी? जर्नलिस्ट की। जर्नलिस्ट की कंप्लेंट किया तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कमाल है, 3 जर्नलिस्ट मिसिंग की कंप्लेंट की है यहाँ से। लेकिन यहाँ से हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। अरे यार, यहाँ से का मतलब है यहाँ से, इस रिसोर्ट से 3 जर्नलिस्ट मिसिंग है। ये कंप्लेंट सीनियर प्रोड्यूसर XTV मिस्टर जेम्स ने वहां पुलिस थाने में आकर लिखवाई थी। आप वो क्या है? इसलिए मैं यहाँ तहकीकात करने आया हूँ। इतनी सी बात। जाइए दुनिया। नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? एक मिनट किशन भैया। अरे भैया, हाँ, ये तुम्हारा भैया है? नहीं, ये प्यार से सबको भैया बुलाते हैं। बोलो इंस्पेक्टर भैया। वो इंस्पेक्टर भैया, मेरा नाम ब्राउन है। अच्छा ब्राउन भैया, वो क्या है? डोंट कॉल मी भैया। भाई साहब चलेगा? नो भाई, भाई भाई, नो नो नो। ओह मिस्टर नो, मेरा नाम ब्राउन है, कॉल मी इंस्पेक्टर ब्राउन। ओके, आप इतने नाराज क्यों रहे? इसमें कोई गुस्सा होने की बात तो नहीं है? देयर इज नो कंफ्यूजन, मैं आपको साफ साफ सब कुछ समझाता हूँ। यहाँ पे 3 नहीं 2 जर्नलिस्ट आएंगे, दोनों लड़कियां, एक का नाम था खबरी, दूसरी का नाम था स्टिंग। इन दोनों के बीच में हुआ पंगा, गोपी महाराज नाराज हो गए और लात मार के होटल से बाहर निकाल लिया, तब से ये मिसिंग है। मिसिंग
कहां से? यहां से। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूं ना। मैं भी तो यही कह रहा हूं। तो फिर कंफ्यूजन किसका है? जेम्स का। कौन जेम्स? अरे जेम्स वो प्रोड्यूसर एक्स टीवी। अरे यार कंप्लेन तो उसी ने लिखाई थी। उसने कंप्लेन लिखवाई थी कि जीके रिसोर्ट से 3 जर्नलिस्ट मिसिंग है। जीके कहा था या केजी कहा था? वो जीके बोले जा रहा था और मैं केजी बोले जा रहा था, तो कंफ्यूज कौन था? मैं कंफ्यूज था। कमाल है यार, कमाल है। और आप कब से कहे जा रहे कि यहाँ यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बाबू 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 जी सर। बाबू बाबू इन माशे को ना कहीं दूर छोड़ के आना। यस सर, बहुत दूर। चलिए सर। वो जंगल है ना किशन भैया, कोई वापस नहीं आता। वेरी गुड। Hey, इधर आ। No rooms, hotel full, go. लगता है तू नया है, मेरा ही धंधा मुझे ही सिखा रहा है। मैं कुलभूषण गुप्ता हूँ। तुम कुलभूषण हो या भारत भूषण, मुझे उससे क्या, चल हट यहाँ से। अरे मालिक को पहचानता नहीं, ऊपर से दादागिरी। ए मालिक होगा तेरे घर का, समझा ना। अभी ज्यादा आवाज किया ना तो ये भाई। अरे लगता है पागल कुत्ते ने काटा है तुझे। मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है? हाँ। अब दिखाता हूँ तुझे, एक मिनट। चल निकल, गेट आउट। पागल गधे। टाइट स्लैप। तेरी माँ को प्रणाम करके तेरी गठड़ी बांधू मैं। मुझे उठा के लेके जा रहे। मैं इस रिसोर्ट का मालिक हूँ। मैं इस रिसोर्ट का मालिक हूँ। तू ऐसा कोई भी आप दिखा ना तेरे को। मैं नहीं बताई तेरे को। ठीक है रिसोर्ट। तू डायरेक्ट जमीन पे? क्या तेरे पे बिजली बिजली गिरी क्या? कौन है कौन तू? मैं इस रिसोर्ट का मालिक हूँ। भिखारी लोगों को मैं सह सकता हूँ, लेकिन पागलों को देखता हूँ ना अपने दिमाग का खोपड़ी हट जाता है पहले बोल के। मैं पागल नहीं हूँ। तो मैं इस रिसोर्ट का मालिक हूँ। केजी। तू केजी में? अरे तेरे जितना मैं होता ना 5 बार ग्रेजुएट होता था मैं। केजी में। केजी का मतलब कुलभूषण गुप्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो केजी तू है और ये लोग तेरे नाम पे मिठाई खा रहे ले। तू जानता है उनको? अरे मैं उनकी पूरी की पूरी कुंडली जानता हूँ। अच्छा? हाँ, मेरी उंगली पकड़ के तू सीधा उनके हाथ तक पहुँच सकता है और उनको हथकड़ी भी लगवा सकता है। लेकिन मेरी उंगली पकड़ने का प्राइस है 10,000 ओनली। 9,900, 10,000 पूरे कंप्लीट। चलिए इधर आ। 10,000 रुपए सिर्फ पुलिस स्टेशन में लाने के लिए। अंदर तो चलिए। अरे वाह केजी, करोड़ों में होटल बेचा, पूरी दुनिया को मिठाई खिलाई और उसके बाद ब्राउन की याद आई। मिठाई खाई के साहब, इनका होटल बिका नहीं है, लूट चुका है। लूट गया? हाँ। किसने लूटा? अरे और तुम कौन हो? तुलसी। तुलसी? हाँ। ये नाम मैंने कहीं सुना है। कहाँ सुना है मैंने ये नाम? ये नाम मैंने कहाँ सुना है? टीवी सीरियल में। वो टीवी सीरियल में सास भी कभी बदबू थी, सास भी कभी बहू थी, वो उसमें वो हीरोइन का नाम तुलसी है। तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? तुलसी। तो फिर उस ईरानी का नाम क्या है? कहा ना साहब, तुलसी। यू आर ट्राइंग टू कंफ्यूज मी। डोंट कंफ्यूज मी। हे ब्राउन, ब्राउन, अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुन। इसकी काय को सुन रहा है? मेरा होटल बर्बाद हो गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। उन्होंने मेरे होटल को लूट लिया है, केजी का जीके कर दिया है। जब ये सब हो रहा था तब तुम कहाँ थे? कहाँ था का मतलब, टूर पे था। तुम छोटे टूर पे थे या बड़े टूर पे थे? हाँ? अरे अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मैं अपने घर के बाथरूम में गया तो मेरा घर लूट गया। तुम अपने होटल को छोड़कर टूर पे गए, तुम्हारा होटल लूट गया। केजी मेरी तरह
तुम्हारा टाइम भी खराब चल रहा है। तुम अब फाइव स्टार तो छोड़ो, ढाबे के मालिक बनने लायक भी नहीं रहे। अब तुम्हें ना पुलिस की जरूरत है, ना मेरी जरूरत है, ना तुलसी की जरूरत है, ना अरुणा ईरानी की जरूरत है। विस्मृति ईरानी, डोंट कंफ्यूज मी, मेरी मानो, कंप्लेंट छोड़ो और अपनी कुंडली जाकर किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाओ। तुम्हारा टाइम बहुत खराब चल रहा है। और क्या आदमी है ये? मचाओ, आओ चलो जश्न मनाओ, खुशियों भरा ये समा है, ताल से ताल मिलाओ। अरे नच गाओ धूम मचाओ, आओ चलो जश्न मनाओ, खुशियों भरा ये समा है, ताल से ताल मिलाओ। खाने की पीने की आजादी है, यारों मेरी बहना की शादी है, शादी है यार, मेरी बहनों की शादी है, शादी है। सूरत सोने की बहना जैसी, हर नहीं किसी की बहना, जग में मेरी बहना जैसी, हीर जैसी उसकी, मोती जैसी उसकी, गोल है कुदरत की वो लगती है, दुल्हन है या कोई शहजादी है, बहना की शादी है यार, मेरी बहना की शादी है, शादी है। जा तू लेती जा बहना भैया की दुआएं, तेरी राहों में कभी कहीं ना गम के साए आए, इस दिल को हमें समझाना है, कुछ साजन के घर जाना है, हम लात करे कोशिश ना तो से हंसी आना है, सबने मिलकर डोली ये सजा दी है, यारों मेरी बहना की शादी है, यारों मेरी बहना की शादी है, शादी है। अरे नाचो गाओ धूम मचाओ, आओ चलो जश्न मनाओ, खुशियों भरा ये समा है, ताल से ताल मिलाओ, खाने की पीने की आजादी है, यारों मेरी बहना की शादी है, शादी है, यारों मेरी बहना की शादी है, शादी है, मेरी बहना की शादी है, शादी है, यारों मेरी बहना की शादी है, शादी है, यारों मेरी बहना की शादी है, यारों मेरी शादी है, शादी है। कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा कि ये घपला क्या है।
अपने ही होटल में चोरों की तरह घुसना और फिर चोर ढूंढना, वो भी इंस्पेक्टर को साथ लेकर। अरे लोग क्या कहेंगे केजी, कि चोर इंस्पेक्टर के भेस में आया है या इंस्पेक्टर चोर के भेस में? आओ 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 आओ, ये देख ब्राउन, तेरा कंफ्यूजन दूर रख और मेरे साथ चल बराबर। सर, सर प्लीज सर बचाइए सर, इंटरव्यू के लिए आए थे सर। क्या गलती है सर? क्या परसेंट है सर? सब तो मीडिया है सर, हमारा सर, सर बहुत बड़ा सर, पानी भी नहीं है सर, बहुत सारा सर, सर बताइए सर। कोई बड़ी खबर नहीं सुना रहे हैं ये आपको? ये सब गोपी किशन ने नहीं, मैंने किया है। ये होटल आज भी आप ही का है पापा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नाम बदला था, मालिक बदला था, बस बस। इतना बड़ा फ्रॉड किया है और बस? एक बहन के लिए अपने भाई की जिद, एक भाई के लिए दूसरे भाई का प्यार, इसे आप फ्रॉड कहते हैं पापा? रिश्तों की ये अमीरी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, और उसके सामने आपके इस होटल की कीमत कुछ भी नहीं। आपको आपका होटल मुबारक हो पापा, ये कल भी केजी रिसोर्ट था, आज भी है, और इसके मालिक भी हमेशा आप ही रहेंगे। अरे तुलसी, यहाँ तो तहलका मचा हुआ है, हैं? सब अमीर लोग इधर भिखारी हो गए। मैं भी बोलता हूँ लालच छोड़, लालच छोड़, तू छोड़ेगा नहीं। मैं अभी भी बोलता हूँ तुलसी, अपनी टैक्सी ओके। अरे सादा भाड़ा भी मिल गया ना तेरे को, तो समझ जाना लॉटरी लग गई, लॉटरी, लॉटरी लग गई तुलसी, लॉटरी लग गई। अरे तुलसी, तीन तो चांदी चांदी हो गई। गोपी भैया, एक बड़े भाई की तरह आप हमारे साथ आए, हमें बहन की शादी हो गई। किस्मत वाली है दिव्या, पहले तो उसका सिर्फ एक ही बड़ा भाई था, लेकिन अब दो दो हैं, और हमारा भी एक बड़ा भाई। किशन भैया, अगर आपने हमें बड़ा भैया कहा ही है तो हमारी बात सुन लीजिए। अगर दिल साफ हो और नियत में खोट ना हो तो भगवान भी साथ देते हैं। आपके दिल में जो था वो हो गया ना, अब वो जो हमारे दिल में है वो हम करेंगे। हाँ, लेकिन नहीं, नहीं, उसके पहले कुछ नहीं, पहले आप हमारे साथ होशियारपुर जाएंगे, उसके बाद आपको जो करना है हम करेंगे। अरे हमारे हाथों से छूटेगा तो जाएगा ना ये तो। अरे अरे सुनिए भाई, बाली मुझे जूता लगाता है। अरे भाई साहब, भाई भाई मत बोल मुझे, भाई की कहानी मुझे बाली तक लेकर गई। मुझे कहानी नहीं, मुझे हीरे चाहिए, हीरे। बाली भाई, हीरे कौन से हीरे भाई साहब? मुझसे नहीं तो पूछो। पर वे, तू कौन है? इनका बड़ा भाई समझ लीजिए आप। ये क्या है, कितने भाई हो तुम लोग? जुड़वा, बड़ा, छोटा, क्या क्या? जुड़वा नहीं, बड़ा बड़ा। लेकिन ये तो कह रहा था जुड़वा, ये बड़ा वो छोटा। एक मिनट, मैं पूछता हूँ, किशन भैया कौन छोटा? मैं छोटा हूँ, आप बड़े। देखा, 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 फिर जोड़ बोल रहा है। तूने नहीं बोला था कि तू बड़ा और वो छोटा है? आप चिल्ला काहे को रहे हैं? चिल्ला काहे को रहे हैं आप? चिल्लाने से बड़ा छोटा और छोटा बड़ा थोड़ी होता है ना, चिल्लाइए मत, हम पूछ रहे हैं ना शांति से। शांति? ये शांति कौन है? कौन है शांति? अरे शांति, शांति, अमन, अमन, शांति, अमन। देखो भाई, मुझे फाइनली बता दो तुम लोग कितने भाई बहन हो? गोपी, किशन, शांति, अमन। अरे नहीं भैया, हम दो ही है, हम गोपी और ये हमारे किशन। तो फिर ये शांति और अमन कौन है? आप उन्हें भूल जाइए। ठीक है, जुड़वा। अरे वही तो पूछ रहे हैं ना हम इनसे। किशन भैया बता दो भैया, ये जुड़वा कौन है? जुड़वा मेरा तो जुड़वा नहीं है। अरे आप बीच में बोल देते हैं। क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। तो फिर सच क्या है? इसका कोई जुड़वा भाई नहीं है। अरे जब आपको मालूम है तो फिर आप बार बार वही क्यों बोल रहे हैं, जुड़वा जुड़वा? क्योंकि इसका जुड़वा भाई जो नहीं है वो मेरे 25 करोड़ के हीरा लेकर भाग गया है। अरे पगला गया क्या, क्या बोल रहे हैं आप? इसका जो जुड़वा है नहीं, हाँ। वो आपके 25 करोड़ लेकर भाग गया। भाग गया मतलब कि ये अपने जुड़वे भाई का नाम लेकर मेरा 25 करोड़ हीरे लेकर भाग गया। इसको पूछो कि जुड़वा की तरह है, मेरे हीरे की तरह है। अब एक फाइनल मैं पूछता हूँ, हाँ। आप क्या जानना चाहते हैं, कि हीरे कहाँ है कि भाई कहाँ है? अरे भाई को मारो गोली, मुझे हीरे चाहिए। अरे अगर हम भाई को गोली मारे तो हीरे कैसे मिलेंगे आपको? कुछ भी करो, मेरे हीरे मुझे वापस कर दो। मत रोइए, मत रोइए, इनके हीरे आपने लिए? नहीं नहीं। फिर झूठ बोला तू? देखिए देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गोभी भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए, हीरे इनके थे, अब वो किसी और ने इनसे ले लिए, मैं क्या कर सकता हूँ? सुनिए भाई साहब, हीरे मेरे,
पूरी दुनिया जानती है कि हीरे मेरे हैं। हीरे मुझे दे दे वरना खून खराबा हो जाएगा। जिसमें तेरा खून भी पानी के भाव बहेगा लाडले। ओए फ्रॉड, हीरे देता या नहीं? नहीं तो ये दोनों लड़कियां और तेरा ये दोस्त कल से सिर्फ फोटो में नजर आएंगे। चल चल हीरे निकाल, वरना इन दोनों लड़कियों के नाम का ताजमहल बनवाना शुरू कर दे तू। भैना भैना, हम इनके बड़े भाई हैं, आप हमसे कहिए ना क्या चाहिए। ओए शाने, चुप कर, बहुत हो गया तेरा ये भोलेपन का नाटक। तुम दोनों की मिली भगत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। चल हीरे निकाल, चल। किशन तुम कहते क्यों नहीं, ये तुम्हारा नहीं हरी का काम है। गोपी भैया, दिव्या की शादी के बाद ही मैं आपको सब कुछ बताने वाला था कि ये लोग आ गए। झूठ, शराब, धोखेबाजी, हेरा फेरी, ये सब मैं ही करता था। मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। अपने कर्म छुपाने की एक जगह बना ली थी मैंने। मुझे माफ कर दो अनु, मुझे माफ कर दो। सच बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई मुझ में, डरता था तुम्हें खो दूंगा। I'm sorry, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। हीरे मेरे पास है। सरदार, तुम हमारे कमरे में घुसा कैसे? अरे दरवाजे से कैसे कैसे क्या कर रहा है? अरे तेरे दरवाजे से अंदर नहीं घुसता तो ये करोड़ों का माल मेरे हाथ से जाता। समझा? ये क्या है? हीरे। मत बोल तू ज्वेल थीफ, चोर, पुलिस, डेढ़ फुट। अबे डेढ़ फुट तेरे मुंह में है इतना बड़ा कबाब और तू चिल्ला रहा है जुलाब जुलाब है? मिल बांट के खाएंगे ना। क्यों भाभी? भाभी के देवर, फट यहाँ से, वरना सारे के सारे हुक कल कर चिल्लाऊंगी। चिल्लाऊं अभी इसकी यादों की बारात का इंतजार कौन करने वाला है? मशू का खून से लथपथ होगी ना तो पैदा होने के पहले के 9 महीने याद आ जाएंगे साले को। एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। सगाई, शादी, बारात, गाना और वो शॉर्ट सर्किट। गाना तो अपनी ससुर जी के हाथ में गाना। हीरे मुझे दे दे वरना इन दोनों बुड्ढों की स्वर्ग यात्रा कंफर्म है। पापा, किशन भैया कुछ याद आया कि हीरे कहाँ है? उसी का तो इंतजार है। ओए किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूँ ना। ओए देख लो इधर भी एक बार, मैं हूँ ना। ए सरदार, तेरा ये रेप बनकर। ओए पहलवान, रैप कहना चाह रहा है तू? है गुजराती है, है? ओए रेप तो तेरी आवाज हो रही है। तू एक काम कर, तू अपनी आवाज बदल दे। चिंता ना करी, ऑपरेशन का खर्चा मैं दूंगा। ए सरदार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ओ दिमाग खराब नहीं, दिमाग की बत्ती जल गई है। जोर का झटका धीरे से लगा है। ओए चार बूंदों वाला उजाला ऐसा फैला है कि अंधेरा ढूंढते रह जाओगे। ओए जो इज्जत शोहरत स्क्रैच हुई थी उसकी भरपाई उम्मीद से दुगनी हुई है। इन शॉर्ट द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं ये होटल का मालिक बनने वाला हूँ। सरदार, यहाँ जिंदगी मौत का खेल चालू है, तू बीच में क्या टाइम पास कर रहा है? चल हट बाजू, नहीं तो पहली गोली तेरे को मारूंगी। ओए बार्बी डॉल, ये हाथ मुझे दे दे बेबे, इन्हें मसाज पार्लर में काम दूंगा।
ले जा इसे। ओए तन्नू भी ले जाएंगे कोयले दी खान। ए सरदार पाजी ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे किशन भैया कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बीच में टांग अड़ा कर इनकी सोच को क्यों अटका रहे हैं? ओए होए होए होए, अटके तो हम सब हैं इस मायावी संसार विच, लेकिन तू चिंता ना करी, ओ सब छूटेंगे, तकदीर की तकदीर से सब की तकदीर बदल जाएगी। हाँ ए सरदार, तेरी तकदीर फूटने से पहले यहाँ से निकले चल। ओए तकदीर फूटेगी नहीं बच्चू, चमकेगी। ओए देख मेरे पास क्या है। किशन भैया हीरे, हीरे मिल गए। हेलो सरदार, से लेके पूरी कतार हिलेगी नहीं, अपने अपने हथियार डाल दो। किधर? डोंट कंफ्यूज मी, किधर मतलब इधर मेरे हाथ में। चलो सब लोग इस तरह मुंह करके खड़े हो जाओ। अब हाथ आगे करो हथकड़ी के लिए। एक हथकड़ी, 12 हाथ। चाचू मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर और हथकड़ियां लेकर आता हूँ। बी ऑनेस्ट क्रिमिनल्स, स्टे हियर, आई विल बी बैक। केजी, हाँ? तुम गेट पर मेरा इंतजार करना और देखना गेट से कोई बाहर ना निकले। ओके, फॉलो मी। हाँ?
इंस्पेक्टर भैया जिनको पकड़कर अंदर करना था उन्हें तो हमने अंदर कर दिया। अब आप ये हीरे लीजिए और इन्हें सरकारी तिजोरी में जमा कर दीजिएगा। हैं? ओके। हमें जो मिलने वाली रकम है ना वो भी रख लेना टिप, गिफ्ट की तरह। मैं रख लूं? क्यों? रख लो, बाथरूम के नल बदलने के काम आएंगे। ए! किशन भैया चले होशियारपुर। आ गए तुम्हारे होशियारपुर 25,000 की जमीन के लिए। पत्थर ही पत्थर है, कुत्ते भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा है कुत्ते नहीं। किशन भैया 25,000 की नहीं, अब करीबन 25 करोड़ की होगी। 25 करोड़। आलम पत्थर मुझे बहुत पसंद है।